हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्रेजी ट्रॉनिक्स। आज की इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं आईआर सेंसर के बारे में। आईआर सेंसर क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आईआर सेंसर क्या होता है। दोस्तों, आईआर सेंसर का पूरा नाम है इंफ्रारेड सेंसर, और इसका यूज़ आर्डुइनो के साथ में किया जाता है मोशन को डिटेक्ट करने के लिए। आईआर सेंसर किस तरह से काम करता है ये देखने से पहले हम आईआर सेंसर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स लगे हैं वो देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आईआर सेंसर कुछ इस तरह से दिखता है, और इसमें जो आप वाइट कलर का एलईडी देख रहे हैं इसे कहते हैं आईआर ट्रांसमीटर, जो कि इंफ्रारेड लाइट को ट्रांसमिट करता है। और उसके ऊपर में जो ब्लैक वाला एलईडी है इसे कहते हैं आईआर रिसीवर, जो कि इंफ्रारेड लाइट को रिसीव करता है। इसके बाद में आईआर सेंसर में तीन पिन रहती है। सबसे पहली पिन है वीसीसी, जिसमें कि हम 5 वोल्ट का इनपुट देते हैं। उसके नीचे में आती है ग्राउंड पिन, जिसको कि हम आर्डुइनो के ग्राउंड पिन से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद में आती है आउटपुट पिन, और ये आउटपुट पिन को हम आर्डुइनो की किसी भी डिजिटल पिन से कनेक्ट करते हैं, जिससे कि आईआर सेंसर का जो भी आउटपुट है वो आर्डुइनो में ट्रांसफ़र हो जाए। उसके बाद में जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं कॉम्पोनेंट, इसे कहते हैं डिस्टेंस एडजस्टमेंट पोटेंशियोमीटर। इस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम आईआर सेंसर के रेंज को कंट्रोल कर सकते हैं कि हमने अगर ऑब्जेक्ट को पास रखा है या दूर रखा है, उसके हिसाब से हम इस पोटेंशियोमीटर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद में आईआर सेंसर में 2 एलईडी लगे रहते हैं। पहला एलईडी रहता है पावर एलईडी, ये तब ऑन होता है जब आप आईआर सेंसर को पावर सप्लाई देते हो, और जब हमको आईआर सेंसर की आउटपुट पिन से हाई आउटपुट मिलता है तब ये वाला सिग्नल एलईडी जो है ये ब्लिंक होता है। इसके बाद में आप ये जो ब्लैक कलर की आईसी देख रहे हैं इसे कहते हैं ड्यूअल डिफरेंशियल कंपैरेटर। तो इतने कंपोनेंट्स लगे रहते हैं आईआर सेंसर में। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि आईआर सेंसर किस तरह से काम करता है। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, मैंने आईआर सेंसर की वीसीसी पिन को 5 वोल्ट से कनेक्ट किया हो और ग्राउंड पिन को भी कनेक्ट कर दिया हो, और उसके बाद में जो आउटपुट पिन है यहाँ से हम आउटपुट लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है कि जब आईआर ट्रांसमीटर इंफ्रारेड लाइट को ट्रांसमिट करता है तब ये लाइट ऑब्जेक्ट से टकराती है, और ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके ये लाइट, ये जो ब्लैक वाला जो एलईडी आप देख रहे हैं आईआर रिसीवर, उसके पास चले जाती है। और जैसे ही आईआर रिसीवर इंफ्रारेड लाइट को रिसीव करता है तब आउटपुट पिन से हमको हाई आउटपुट मिलता है। तो ये हमने देख लिया आईआर सेंसर की वर्किंग। लेकिन इसका एक रूल है, और वो रूल ये है कि आईआर सेंसर की जो रेंज है वो 5 सेंटीमीटर रहती है। इसका मतलब ये है कि आईआर सेंसर और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर से कम रहना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट और आईआर सेंसर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर से कम रहेगा तभी हमको आउटपुट पिन से हाई आउटपुट मिलेगा। लेकिन अगर आईआर सेंसर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहा तब हमको आउटपुट पिन से लो आउटपुट मिलेगा। तो आईआर सेंसर में आपको इस बात का याद रखना पड़ेगा कि आईआर सेंसर और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर से कम रहना चाहिए, तभी आईआर सेंसर उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा। दोस्तों, हमने अभी जो आईआर सेंसर देखे वो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने पर हाई आउटपुट देता है, और जब कोई भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं होता तब वो लो आउटपुट देता है। तो इस टाइप का जो आईआर सेंसर है इसे कहते हैं एक्टिव हाई आईआर सेंसर। और मार्केट में एक और टाइप का आईआर सेंसर आता है जो कि ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने पर लो आउटपुट देता है, और जब कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं हुआ तब हाई आउटपुट देता है। और इस टाइप का जो आईआर सेंसर रहता है इसे कहते हैं एक्टिव लो आईआर सेंसर। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही एक्टिव हाई आईआर सेंसर का वर्किंग देखे हैं, ठीक इसका अपोजिट एक्टिव लो आईआर सेंसर काम करता है। तो एक्टिव लो आईआर सेंसर में क्या होता है कि आउटपुट पिन से हमको नॉर्मली तो हाई आउटपुट मिलता है, लेकिन जब आईआर ट्रांसमीटर इंफ्रारेड लाइट को ट्रांसमिट करता है और जब ये लाइट ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आईआर रिसीवर के पास में जाती है तब हमको आउटपुट पिन से लो आउटपुट मिलता है। तो इस तरह से एक्टिव लो आईआर सेंसर काम करता है। दोस्तों, इस तरह से हमने एक्टिव लो आईआर सेंसर और एक्टिव हाई आईआर सेंसर के बारे में देखे। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वो ये है कि आईआर सेंसर ब्लैक ऑब्जेक्ट पर काम नहीं करता। और ये ब्लैक ऑब्जेक्ट पर काम इसलिए नहीं करता क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखेंगे ब्लैक कलर का कोई ऑब्जेक्ट है तो उससे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती। ठीक उसी तरह से जो आईआर सेंसर रहता है उसमें से जो इंफ्रारेड लाइट निकलती है वो जब किसी भी ब्लैक ऑब्जेक्ट से टकराती है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं होती, जिसकी वजह से हमको आईआर सेंसर से आउटपुट नहीं मिलता। तो ये एक डिसएडवांटेज है आईआर सेंसर का कि हम आईआर सेंसर की हेल्प से ब्लैक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक एडवांटेज भी है,
और वो एडवांटेज ये है कि आईआर सेंसर जो है वो ब्लैक कलर को डिटेक्ट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से इसका यूज हम कर सकते हैं लाइन फॉलोइंग रोबोट बनाने के लिए। जब हम आर्डुइनो की हेल्प से एडवांस प्रोजेक्ट बनाएंगे तब हम आर्डुइनो की हेल्प से लाइन फॉलोवर रोबोट भी बनाएंगे। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में आईआर सेंसर के बारे में देखे, और इस पूरे वीडियो में 3 पॉइंट ऐसे हैं जो कि आपको याद रखना है कि आईआर सेंसर की जो टाइप है, एक्टिव लो आईआर सेंसर और एक्टिव हाई आईआर सेंसर, ये क्या होता है आपको इसको याद रखना पड़ेगा। और इसके बाद में आपको दूसरा पॉइंट याद रखना पड़ेगा, वो ये है कि आईआर सेंसर की जो रेंज है वो 5 सेंटीमीटर रहती है। और तीसरा पॉइंट जो कि आपको याद रखना पड़ेगा वो ये है कि आईआर सेंसर ब्लैक कलर को डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो ये 3 पॉइंट हमने इस वीडियो में देखे जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि ये ट्यूटोरियल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस ट्यूटोरियल में कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप आर्डुइनो की प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, आर्डुइनो की हेल्प से कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।